तो कल डाली हुई फेज 5 की अपकमिंग मूवीज वाली वीडियो पर तुम लोगों के धमाकेदार रिस्पॉन्स के बाद आज की वीडियो जैसा बोला था डेडिकेटेड है मार्वल की फेज 5 की आने वाली सीरीज को। तो अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक ऊपर फ्लैश हो रहा होगा, इस वीडियो के बाद उसे चेकआउट करना मत भूलना। और साथ ही अगर तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं हूँ वॉचर और यहाँ तुम्हें मिलेगी पॉप कल्चर से रिलेटेड सभी न्यूज एंड रिव्यूज। तो फिर शुरू करो। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि मार्वल अपनी मूवीज के बीच में हुए गैप को भरने के लिए अपनी सीरीज रिलीज करता है, एंड कुछ ऐसे ही सिमिलर ट्रेंड को हम विटनेस करेंगे फेज 5 में भी। तो फेज 5 में जो वेब सीरीज हमें सबसे पहले देखने को मिलने वाली है वो है सीक्रेट इन्वेजन। चलो अब इमेजिनेशन की गंगा में डूब जाओ और सोचो कि जिन मार्वल सुपर हीरोज के तुम फैंस हो, अचानक से तुम्हें पता चले कि वो असलियत में एक स्क्रल है। सारा जायका बिगड़ गया ना। कुछ ऐसी ही स्टोरी होगी सीक्रेट इन्वेजन की। इसमें हमें ये दिखाया जाएगा कि कैसे जिन बड़े बड़े एमसीयू के कैरेक्टर्स से तुम इतना अटैच्ड हो और कनेक्टेड हो, असल में स्क्रल्स थे। कॉमिक्स में भी मार्वल ने सीक्रेट इन्वेजन के इवेंट को प्रेजेंट करते टाइम यही टैगलाइन यूज की थी कि हु डू यू ट्रस्ट। ये सीरीज तुम्हें देखने को मिलेगी फरवरी 2023 में, एंड इसकी टाइमलाइन टेक प्लेस करेगी एंटमैन एंड द वस्प क्वांटम मेनिया एंड गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के बिटवीन। बढ़ते हैं हमारी अगली सीरीज पर जो कि है एको। इस सीरीज में हमें दिखने वाली है माया लोपेज, जिन्हें आपने हॉकाई में देखा ही होगा। ये सीरीज इन्हीं पर बेस्ड एक स्पिन ऑफ होगी, जिसमें हमें देखने को मिलेगा डेयर डेविल एंड विंसेंट डी ऑनफ्रियो के किंगपिंग भी। तुमने क्या सोचा ये हरामी निपट गया? जाकर डेयर डेविल देखो नेटफ्लिक्स वाली, तब समझोगे कि ये कांडी इतनी आसानी से निपटने वाला नहीं है। अब आखिर मेरी फेज 4 की फेवरेट सीरीज का सेकंड सीजन आ ही गया, जो कि है लोकी सीजन 2। मेरी सिल्वी के कैंग भैया को निपटाने के बाद मल्टीवर्स की गुत्थम गुत्थाई को शुरू किया था लोकी सीरीज ने। क्या बोल रहा हूँ मैं। तो इस रायते को फैलते हुए हमने लोकी सीरीज में तो देखा, लेकिन फेज 4 में आई अब तक की किसी भी मूवी या सीरीज में खुलकर विटनेस नहीं किया है हमने इस सबको। पर अब थोड़े से इंतजार के बाद हमें देखने को मिलेगी दिल टूटे लोकी की कहानी उसी की जुबानी। अब चलते हैं आगे लिस्ट में। अगला नाम जिस सीरीज का है उसको लाना शायद मार्वल की मजबूरी थी, क्योंकि मार्वल हर एक मेन एवेंजर का एक अल्टरनेट ला रहा था एक्सेप्ट आयरन मैन। तो अगली सीरीज है आयरन हार्ट, जो कुछ कुछ टोनी स्टार्क की लेगेसी को आगे कंटिन्यू करेगी। इसका फर्स्ट लुक हमें देखने को मिलेगा वकांडा फॉरएवर में, और सेकंड लुक देखने को मिलेगा इसके टीजर में, और थर्ड लुक देखने को मिलेगा इसके ट्रेलर में, और फोर्थ लुक देखने को मिलेगा इस सीरीज में। लगता है रात में स्क्रिप्ट लिखना बंद करना पड़ेगा। लिस्ट में अगला नाम जो है उस पर आई सीरीज एक सबूत है कि अगर फैंस चाहें तो कुछ भी करवा सकते हैं, अगाथा कोवन ऑफ केओस। अब हाँ, मैं पीजे से बिल्कुल सहमत हूँ कि शी इज अ लोकी मिल्फ, एंड कभी आगे चलकर चैनल ग्रो हुआ एंड पीजे से मिला तो इसके बारे में जरूर बात करूंगा। खैर वो बात की बात है, फिलहाल चलते हैं अगली सीरीज पर जो कि है डेयर डेविल बॉर्न अगेन। अब यहाँ मेरा बहुत बड़ा कंसर्न है कि PG-13 के चलते डिज्नी सीरीज में हग ना दे, क्योंकि डेयर डेविल को आर रेटेड में ही देखने में मजा आता है। और ये सीरीज साला 18 एपिसोड्स की होने वाली है, एंड आई होप लेंथ के साथ साथ इसके माल में भी दम हो। और इसी के साथ फेज 4 एंड होगा सीरीज के मामले में। और हाँ, लास्ट वीडियो में मैं दो मूवीज को मेंशन करना भूल गया था, जिसमें से एक थी महर्षाला अली की ब्लेड, जिसको टीज करते हुए हमने देखा था इटर्नल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में, और दूसरी है थंडरबोल्ट, जिसके बारे में हमें ज्यादा तो नहीं पता, पर जहां तक है इसमें हमें कुछ इविल सुपर हीरोज के टीम अप देखने को मिलेंगे, जो कि इसे काइंड ऑफ एवेंजर लेवल की मूवी बना देते हैं। और इसी सब के साथ खत्म होगा फेज 5 और ये वीडियो भी। तो वीडियो को अगर यहाँ तक देखा है तो लाइक करना मत भूलना, और अपने पॉप कल्चर फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर किसी टॉपिक पे तुम्हें वीडियो चाहिए तो वो भी लिखो यार नीचे कमेंट सेक्शन में। मैं मिलूंगा तुम्हें कल अगली वीडियो में, एंड तब तक के लिए होती है फिर।